सुशील भाई आपसे आग्रह है, आप अपना मोबाइल भी चेक करा लीजिए कि पर्स देखे हैं कि नहीं। सुशील भाई से पूछिए कि मंगल बुध सावन में इनको माल मिलेगा तो छोड़ेंगे, नेता पर्न देखना छोड़ते हैं तो सावन में पर्न क्यों देखता है नेता लोग, वो नॉनवेज नहीं है। और सावन में 3 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है, 4 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है। सुशील मोदी के जैसा आदमी मेरे यहाँ मुंशी रहता था, 4,000 गाय और 5,000 भैंस चराने के लिए हम यहाँ मैनेजर रहता था। जॉर्ज और सुशील जी जब हम पर लाठी चला था तो आप अस्पताल में मिलने आए थे, आपने हमको हीरो कहा था। सुशील मोदी जी शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचे होता है, लूट लो कूट खाओ, वित्त विभाग से लेके खनन विभाग तक आप लूटे हैं, जितना हम बांटे होंगे ना उतना सुशील जी का वजनों नहीं होगा, सबको एक तराजू में कतई नहीं तौलिएगा, अन्यथा आप इतने नंगे होइएगा कि जिसका आप होश भी नहीं कर पाइए। सुशील जी मेरे लिए बड़े भाई हैं और उनकी हम इज्जत करते हैं, हमको मुंह ना खुलवाइए, हम छेड़ते नहीं हैं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। जात पात करता है आदमी, हिंदू मियां करके काटता है आदमी। लालू यादव के मटन बनाने खाने और खिलाने को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू के राज में इसी तरीके से प्रभुनाथ सिंह हो या फिर पप्पू यादव जैसे नेता जो थे वो गुंडागर्दी किया करते थे, इनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। वही मटन को लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग सावन में भी मांस मदिरा का पालन करते हैं। सुशील कुमार मोदी के इस आरोप के बाद पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया, पूरे बयान को आप सुनिए। सुशील मोदी जी हमारे सम्मानित भाई हैं, सुशील मोदी के जैसा आदमी मेरे यहाँ मुंशी रहता था कमतिया, 4,000 गाय और 5,000 भैंस चराने के लिए हम यहाँ मैनेजर रहता था। सुशील मोदी जी को याद दिला देना चाहूँगा, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, हम 4 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किए। सुशील मोदी जी को ध्यान दिलाना चाहूँगा, जॉर्ज और सुशील जी जब हम पर लाठी चला था तो आप अस्पताल में मिलने आए थे, आपने हमको हीरो कहा था, नायक कहा था। और सुशील मोदी जी शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचे होता है, आप लोग लूट लो कूट खाओ, वित्त विभाग से लेके खनन विभाग तक आप लूटे हैं, और हमने दुनिया को बांटा है, जितना हम बांटे होंगे ना उतना सुशील जी का वजनों नहीं होगा, एक दिन में जितना हम बांटते हैं उतना सुशील जी का वजन होगा, तो इसीलिए सुशील जी मेरे भाई हैं, हम उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, लेकिन याद रखिएगा सबको एक तराजू में कतई नहीं तौलिएगा, अन्यथा आप इतने नंगे होइएगा कि जिसका आप होश भी नहीं कर पाइए, इसलिए मुंह मत खुलवाइए। धन्यवाद सर। पप्पू यादव उसके घर में खाना पहुंचाया, प्याज परोसा, पप्पू यादव हमेशा सुशील जी का सम्मान करते हैं, आगे भी सुशील जी का हम सम्मान करें। सुशील जी मेरे लिए बड़े भाई हैं और उनकी हम इज्जत करते हैं, हमको मुंह ना खुलवाइए, हम छेड़ते नहीं हैं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। सर आदमी से ज़्यादा नॉनवेज कोई है, अहंकारी आदमी, घर ढुकता आदमी, दूसरे पर नज़र रखता आदमी, चरित्रहीन आदमी, लूटता आदमी, जात पात करता आदमी, हिंदू मियाँ करके काटता है आदमी, नफरत फैलाता है आदमी, आदमी से बड़का नॉन वेज कोई है, हैं? आप हमको बताइए ना, ये जो नॉन वेज करते हैं 10 दिन सह करके आ एक्के दिन सब कर्म कर लो, जरा सुशील भाई से पूछिए कि मंगल बुध सावन में इनको माल मिलेगा तो छोड़ेंगे, नेता पर्न देखना छोड़ते हैं
तो सावन में पॉर्न क्यों देखता है नेता लोग? वो नॉनवेज नहीं है, पॉर्न देखना नॉनवेज नहीं है, दारू पीना नॉनवेज नहीं है, कॉरेक्स पीना नॉनवेज नहीं है, हैं? और सावन में तीन ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है, चार ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है, हैं? दूसरे जाति जाति को छोटा कहना नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज। सब नेता का मोबाइल चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि किन कौन कौन लोग कोरोना डेली कोरोना में भी कितना लोग पॉर्न देखा और डेली सावन में कितना पॉर्न देखा। सुशील भाई आपसे आग्रह है, आप अपना मोबाइल भी चेक करा लीजिए कि पॉर्न देखे हैं कि नहीं। धन्यवाद।